वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटीआई स्मार्ट क्लासेस एंड आई एम सत्यम सिंह। तो गाइस, जिन स्टूडेंट्स का आईटीआई में अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, यानी कि जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो फाइनली वे सभी स्टूडेंट्स आईटीआई की सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो गाइस, यूपी आईटीआई की सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, और साथ ही आप सेकेंड मेरिट लिस्ट में कैसे नाम चेक करना है, साथ ही आपको कॉलेज कौन सा मिला है, कैसे चेक करेंगे, तो गाइस पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा। साथ ही आईटीआई से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल आईटीआई स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तो अब यूपी आईटीआई की सेकेंड मेरिट लिस्ट 25 से 28 सितंबर के बीच में जारी की जाएगी। तो सिंपली आप सभी को यूपी आईटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट scbt.in को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में ओपन करना है, और वहाँ पर आपको ये दो ऑप्शन मिलेंगे, ये आप देख पा रहे होंगे। पहला जो ऑप्शन होगा ये आप देख पा रहे हैं, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2021-22 में प्रवेश प्रारंभ हेतु प्रथम आवंटन का परिणाम देखें। दूसरा जो ऑप्शन रहेगा वो आपका निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु आवंटन का परिणाम देखें। तो पहला जो रहेगा वो आपका गवर्नमेंट आईटीआई यानी कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इसे जो इंग्लिश बोले तो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और साथ ही निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ये आप देख पा रहे दूसरा वाला, इसे जो इंग्लिश बोलते तो प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक, तो हमें क्या करना, सिंपली आईटीआई की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो थी वो आपकी 10 सितंबर को आ गई थी, और उसकी लास्ट डेट जो थी वो आपकी 18/9/2021 थी, यानी कि 18 सितंबर थी, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप ये देख पा रहे हैं राजकीय औद्योगिक, इस पर यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरे पास दूसरा पेज खुलेगा। हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये हमें फिल करना है। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो हमारा कौन सा रहेगा, और सेकेंड मेरिट लिस्ट में जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो आपका, जब आप आईटीआई के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे तो आपको जो है प्रिंट आउट दी गई होगी, इस प्रकार ये आप देख पा रहे होंगे। प्रिंट आउट जो होगी उसी में जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है सबसे ऊपर दिया हुआ होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ करना है। डेट ऑफ बर्थ का पहले जो करेंगे वो आपका डेट करेंगे, उसके बाद मंथ्स, उसके बाद ईयर, यानी दिनांक, महीना और वर्ष, और ये सब फिल करने के बाद जो है, जैसे ये सभी इंफॉर्मेशन जो है फिल कर लेंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इसे फिल करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आते, दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक सबमिट, एक रीसेट। हमें जो है सबमिट करना है, रीसेट करेंगे तो जो है दोबारा से फिल करना पड़ेगा, तो हमें जो है दोबारा फिल नहीं करना है, हमें सबमिट करना है। इसे जो है सबमिट करने के बाद आपका अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जिसमें आपका जो है नाम, ट्रेड और आपका गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में और सभी इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसमें, और साथ ही उसमें जो है लास्ट डेट भी होगी, आपको लास्ट डेट से पहले ही एडमिशन कंप्लीट करा लेना है। साथ ही अभी भी किसी भी स्टूडेंट्स के मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।